हाजिर कर दियो रानी तेरे चाहे जहान मांग ले राम ने बनवास छोड़ के चाहे मेरी जान मांग ले साथी में तने तेरे पीर तले का लग रहा था, शत्रुओं ने आगा घेर लिया, मैंने वीरता से लड़ाई करी लेकिन मेरे रथ के पहिए की चकेल निकल गई और तूने अपनी एक आंगली उस किले की जगह अपनी एक आंगली डाली जिसके कारण वो रथ नहीं गिरा और मैंने दुश्मनों को मार दिया। अगर उस दिन वो काम ना करे तू तो रथ गिर जाता और वे शत्रु घोड़े पे थे, वे मने मार सकते थे। मैंने वचन दिए थे, तीन वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन के कई तने के मांग लिया यो, मैं वचनों से नहीं फिरता लेकिन सोच ले बे। जानकी मैं क्यों कर कह दूं मुंह पति पाटता चले काम कर ले राम के बदले दशरथ का राम के बदले दशरथ का पिया पान मांग ले खाम खा मेरी ब्याही लावे मत्रेनाए रामचंद्र के दोस्त खाम खा मेरी ब्याही लावे मत्रेनाए तो भैया के मन में रानी खाई लावे मत्रेनाए पूत भरत मेरा पूत भरत से भगत पाप की राही लावे मत्रेनाए ये वचन दूसरा। चल ठीक है भरत को राजगद्दी देता हूं लेकिन
राम को बनवास वचन दूसरा करके रानी वचन दूसरा करके रानी यार मांग दे सुन बिली तो वो जिद्दी करके जाओगा बनवास। हे रानी जुलम ना करे, राम ने बनवास ना भेजे के कहीं बोली राम 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 तेरे पर ना केक खवा रखा राम ने, राम चला भी जाएगा क्या हो गया तेरे, राम बिना मेरे तो ये हो जाएगा के बताए। राम बिना मैं मरे जा सबकी राह है राम जी मेरे पेट की आस राम जी राम बिना मैं मरे जा जे चल्या जा बनवास राम जी राम बिना मैं मरे जा दशरथ की एक बहन थी जिसका नाम था चंद्रवती, जो मुनि उद्यालक के ब्याही। संतान का मुंह देखना भाग में नहीं था उद्यालक ने और चंद्रवती यानी कि दशरथ की बाण राम की बुआ ने अपनी आंखें फोड़ ली। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था श्रवण कुमार। सजनो श्रवण कुमार की पत्नी खोट कराया करती एक हांडी के दो पेट बना के, खाटी राबड़ी बुढ़े बुढ़िया अंधोते और खीर खुद खाया करती श्रवण कुमार तक खवाया करती। एक दिन भेद खुलिया, माथा पकड़ कर रोन लगे श्रवण अपनी बिहाई के आगे के तने यो के कर दिया। मां बापा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। किसी ने न्यू बताया कि ये तेरे वे मां बाप से, तेरी शक्ल देखना इनके भाग में नहीं था, दोनों ने अपनी आंख फोड़ ली थी। फिर आग क्यों कर ठीक होगी? अब नारद मुनि ने बताया कि अपने कंधे पे 68 तीर्थ धाम की यात्रा तू करवावे तो इनकी आंखों की ज्योति वापस आ सकती है। सबसे पहली कावड़ या कावड़ को ना हरिद्वार वाली भोड़े बनकर जावे है, सुलफे में भांग में सुट्टा लावे है, या कावड़ को ना एक पलड़े में मां बैठाई एक में बाबू। जब कावड़ लेकर गया 68 धाम पूरे कर लिए थे, एक धाम बचा था बस, 65 पूरे होके
सरयू नदी के किनारे अयोध्या के किनारे पानी लेन गया राजा दशरथ। शब्द भेदी तीर जानता था चलाना अंधेरे में। जैसे ही गढ़वे ने डुबक डुबक करके पानी भरने की आवाज आई और ओट में बैठा दशरथ अपना शिकार समझकर तीर छोड़ दिया। सरवण की छाती में तीर लग गया ने बोला हाय राम। राम का नाम सुनकर भाज के गया सजनो अपनी बाण के सोरे ने भाणजे नहीं मार दिया। सरवण ने कहा मामा मेरे माता पिता प्यासे उन तक पानी पिला देना मैं तो मर गया। लोगो पानी लेके गया दशरथ पानी पिया। उद्यालक ने बोला ला बेटा तुम्हें पुचकार दू जब सिर पा दरे तो मुकुट आया कौन के जी मैं तो दशरथ हूं साहब। मेरा बेटा कहा है कि वो मारा गया मेरे बाण से। उद्यालक मुनि चंद्रवती दोनों ने रो रो के रोके श्राप दिया दशरथ जिस प्रकार हम अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं चाहे तेरे को भी श्राप देते हैं तू भी अपने बेटे जिसको जान से ज्यादा प्यार करता है उसके वियोग में तू भी एक दिन नहीं मरेगा। ये बात याद आ गई अब कुछ नहीं कहता दशरथ ने बोला तेरी सारी बात मंजूर लेकिन सुन कल के बाद तेरा भरत नहीं रहेगा। आखिर में क्या बता दिया जानवर दे भाई के बदले जानवर दे वो दिल का हिटा सहे भाई के बदले जानवर दे वो दिल का हिटा सहे। ये चारों बेटे पर एक से के भरत खास बेटा से। और सुन आखिर बार कह रहा हूं तू राम के सर पे ताज सजा दे राम के सर पे ताज सजा दे क्योंकि पूत वो है जे खासेरे राम के सर पे ताज सजा पूत तेरा जे खासेरे। सरदार सिंह किरसन चंद पे सरदार सिंह किरसन चंद पे ज्ञान मांग दे आजा कसूर राम।